शहर में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, लेकिन उनके मोबाइल पर वैक्सीन लगाने का मैसेज नहीं आया। वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कराने के साथ ही लोग वैक्सीन सेंटर पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर मोबाइल नंबर लिखकर दे रहे हैं। वैक्सीनेशन शुरू होने के 6 माह बाद भी लोग अपनी पहली और दूसरी डोज का मैसेज नहीं मिल पाया है। दूसरी डोज लगवाते समय डिस्पेंसरी में पहले वैक्सीन का मैसेज दिखाने को कहते हैं। मोबाइल पर मैसेज नहीं आने के कारण दूसरी वैक्सीन लगाने में भी परेशानी हो रही है। ऐसे में परेशान लोग ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए वैक्सीन सेंटर, CMHO और ऑफिस के कलेक्ट्रेट के बीच में चक्कर काट रहे हैं। गौरतलब है कि टीकाकरण की पहचान के लिए मोबाइल पर मैसेज आता है, जिसमें टीका लगवाने का नाम, वैक्सीन की जानकारी और लिंक दिया जाता है। लिंक पर क्लिक करने के बाद में सर्टिफिकेट मिल जाता है। सोडाना निवासी संजय शर्मा ने देवी नगर श्यामनगर डिस्पेंसरी में पहली डोज मई में लगवाई थी। अब दूसरी डोज लगवाने का समय हो गया है। वह डिस्पेंसरी में वैक्सीन लगवाने के लिए गए, लेकिन पहली डोज का मैसेज नहीं दिखा पाए। उन्हें दूसरी डोज भी नहीं लग सकी है। वहीं निर्माण नगर निवासी अचलेश्वर प्रसाद निर्माण नगर डिस्पेंसरी में दोनों डोज लगवा चुके हैं, लेकिन अब तक मोबाइल पर मैसेज नहीं आने से सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त हो पाया है। ADM चतुर्थ अशोक कुमार का कहना है कि वैक्सीनेशन का मोबाइल पर मैसेज नहीं आने और सर्टिफिकेट नहीं मिलने की शिकायतों को लेकर कई लोग आते हैं। उन्होंने बताया है कि मोबाइल नंबर से भी वैक्सीनेशन का ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है। www.covin.gov.in पोर्टल पर मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करने के बाद में दोनों डोज की जानकारी उपलब्ध हो जाती है, जिन्हें आसानी से डाउनलोड कर प्रिंट निकाला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।